कांग्रेस की जो फंडिंग है उसको जस्टिफाई करने के लिए एक और कांग्रेस सीएम को इंटरव्यू करने पहुंच गए हम लोग रायपुर। कैमरा पर्सन सुरभि अब आपको दिखा रही है कि कैसे सीएम हाउस में अब हमें इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि हम कुछ भी कर सकें। तो भाई दिखाइए कितना बढ़िया आलीशान लटियंस डेली टाइप ये घर है जिसमें हम मिस्टर भूपेश बघेल का इंटरव्यू करेंगे। लेकिन तभी आपको दिख लेगा जब आप इंटरव्यू शुरू होने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाओगे। तो भाई सब्सक्राइब बटन दबाओ और आ जाओ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आप मुझे लगा आप ग्रीन कुर्ता पहन रहे हो। नहीं जैसा बोलोगे। नहीं नहीं आपकी मर्जी है। आप, आपको मैं क्या बोल सकता हूँ। दिस इज छत्तीसगढ़। आप दिल्ली आओगे तो मैं बोलूंगा आपको। यहाँ तो आप मुझे बोलोगे। ठीक है आप यार आराम से। हम लोग एकदम रिलैक्स्ड हैं। हमारा कोई टाइम टर्म नहीं है। बस आज करा दीजिएगा क्योंकि हमारी कल सुबह फ्लाइट है। नहीं नहीं हमें आराम से दो ढाई घंटे दीजिए और आराम से रिस्पेक्टफुल। ये नहीं कि डंडे मार दिए। ठीक हाँ आप आराम से करो। खून में जो आप खिलाना चाहो कुछ छत्तीसगढ़ी हो जाए। अच्छा हाँ कुछ लोकल। कुछ लोग सो मिल से कि टाइम कितना लगेगा। देखो सीएम हाउस में किसी ने ऐसा किया होगा क्या। हमारे दादाजी पार्टीशन से आए थे। देखो कहां तक पहुंच गए आज हम। सीएम हाउस में विक्की की बॉल से ये जिस गेम का नाम नहीं है वो खेल रहे। टीएमसी में तो पता ही नहीं क्या चल रहा। क्या कैश मिली जा रही है भाई। रिश्वत देने की कोशिश हो रही है। रिश्वत देने की फुल कोशिश चल रही है। कि आओ हमारा नमक खाओ फिर तो एडिट अच्छा करना पड़ेगा। गर्मा गर्म मिलना बताओ। तुम लोग भी अब प्रेशर डालोगे। मैं बता रहा हूँ तुम लोग भी कहोगे हमारे चीफ मिनिस्टर को कितने अच्छे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। तो तुमने नमक खा लिया ना बघेल का। ये तो रुक गया। ये तो रुक गया। ये कह रहा अरे ये तो गलती हो गई। ये सब टैप हो रहा होगा ना कहीं तो रिकॉर्ड हो रहा होगा ना। भाई नो डिसरिस्पेक्ट ये ऐसे ही करता हूँ वीडियो शूट। बघेल साहब सॉरी। नमस्कार सर। मेरा नाम संदेश। संदेश हर दिशा में समान जी। माइक पहना दो। आप बैठ जाओ आराम से कोई टेंशन नहीं। आप ही का घर है। शाम में इतना नूर कैसे है आपके चेहरे पे। शाम में भी इतनी एनर्जी कैसे है आप में। लो भला कर लो बात। आप भी भाई एनर्जेटिक लोगों से मिलोगे तो एनर्जी अपने आप आ जाएगी। मेरा नाम संदेश है जी। मेरा नाम भूपेश। भूपेश का मतलब क्या होता है। पृथ्वी का राजा। पृथ्वी का राजा। भूप मतलब पृथ्वी। वाओ ये चैनल का नाम है अनफिल्टर्ड बाय संदेश। आप देखते हो यूट्यूब। देखा नहीं कार्यक्रम। सुना बहुत है आपके बारे। तो लास्ट टाइम ना मैंने जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इंटरव्यू किया था तो वो इलेक्शन हार गए। मैं होप कर रहा हूँ आपके साथ ऐसा ना हो क्योंकि फिर उसके बाद मुझे कोई सीएम इंटरव्यू नहीं देगा अगर ऐसा कोई पैटर्न बन गया। देख लो। ठीक है। मैंने लास्ट टाइम चन्नी जी को इंटरव्यू किया था इलेक्शन से पहले। बड़े स्वीट आदमी है। बहुत स्वीट आदमी है। आप बताओ आप यूट्यूब में और कुछ देखते हो। गाना सुनता हूँ बस। किस टाइप का आपका म्यूजिक में टेस्ट क्या है। 60-70 के दशक के जो गाने हैं वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। पर आपका कोई फेवरेट है कोई ऐसे कोई जो गुनगुना सको हमारे लिए। वैसे भी गला खराब है। आपके स्टाफ में सबने मुझे बताया कि सर से गाना गवा दो। मतलब कौन बताए बता दो उसका ट्रांसफर तुरंत करता हूँ। आप जिनको देख रहे हो उन्होंने नहीं बताया। नहीं बताया। गाना पर मत गवाना बस ठीक है। अच्छा नहीं गाना नहीं गाओगे। ऐसे ही कैजुअल फ्री विलिंग चैट वाला शो है। हाँ ठीक है ऐसी ही बातें होंगी। कुछ अनकंफर्टेबल कोई ह्यूमर कोई ज्यादा लगे आपको तो उसी वक्त आप मुझे थप्पड़ मार सकते हो। नहीं बस स्ट्रेट से मत निकलवाना आराम से। मैं फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ आया हूँ। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हो। दिल्ली। प्रॉपर दिल्ली। फैमिली पंजाब। हाँ मैं प्रॉपर दिल्ली फैमिली पंजाब। दादाजी पार्टीशन से पहले सियालकोट से आए थे तो मैं पार्टीशन में जो अपरूट हो गई फैमिली उनमें से हूँ। कल पता क्या हुआ। कल मैं आपके घर आया और मैंने हाफ पैंट पहनी हुई थी तो सब लोग बौखला गए सिक्योरिटी वाले। बोले ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। फिर किसी तरह आपके कोई ओएसडी जो है आपके उन्होंने परमिशन दिलाई और फिर मुझे बताया गया कि मैं पहला व्यक्ति हूँ इस घर में जो शॉर्ट्स में आया हूँ।
अच्छा हाँ, फिर मैंने सोचा मैं इंटरव्यू के बीच में बोलूंगा चलो आप शॉर्ट्स पहन के आओ, लेकिन ऐसा तो आप नहीं करोगे। तो मैं शॉर्ट्स में इस घर में आ गया था। अच्छा, और मुझे तब पता चला कि सीएम निवास में शॉर्ट्स पहन के जाना अलाउ नहीं है। अच्छा, ये बात मुझे भी मालूम। वही तो मैंने सोचा आपको शायद नहीं मालूम होगी, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। बच्चे लोग तो आते हैं साथ? बच्चों का मुझे अब बच्चा नहीं समझा जाता, हालांकि मानसिक रूप से मैं बच्चा ही हूँ, लेकिन मुझे लोग मानते नहीं है, समाज में बड़ा हो जाना पड़ता है। अभी दिसंबर में मेरी शादी हुई। अच्छा, हाँ, वो तो दो गिनती गिन रहा था कितने दिन हो गए। अच्छा अच्छा, 8 महीना हो गया। 8 महीने हो गया। सब बढ़िया है? कुशल मंगल। बढ़िया बढ़िया। इंस्टाग्राम वगैरह देखते हो आप? इतना टाइम कहाँ मिलता है यार। फिर भी रात में आधा घंटा रील्स देखने में एकदम व्यस्त हो गए। गाना सुन लो सोने से पहले, पहले पिक्चर उचर भी देख लेते थे। वो कौन सी? अरे कोई पिक्चर बजता नहीं था भाई, हम लोग तो मतलब कॉलेज में थे, उसको रिपीट करते थे यार। हाँ ना, तो उसी पिक्चर को डबल देखते थे। आपका कॉलेज कहाँ हुआ? यही रायपुर। नाम कॉलेज का? साइंस कॉलेज। आपने आपने क्या पढ़ाई की? साइंस ही पढ़ा, बीएससी ग्रेजुएशन उसी में। उस वक्त एनएसयूआई में थे आप या उस वक्त? ना ना, उस समय नहीं था। कैसे आए फिर? धोखे से। आपने दिया धोखा या आपको धोखा दिया गया? भाई कॉलेज से निकल के गांव चले गए, खेती करना शुरू कर दिए। ठीक है, खेती करो तो खेती 12 महीने खेती थोड़ा नहीं है, 4 महीने खेती उसके बाद करोगे क्या? तो गांव की कोई समस्या है, लोगों की कोई बात हो गई तो कभी बोल दे, थोड़ा पटवारी बोल दो तो कभी थानेदार को बोल दो, कभी बिजली विभाग में कोई काम है तो लोगों को काम का, भाई किसानों के मुद्दे उठाना है तो उसमें चल दो। तो धीरे 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 राजनीति में आ गए। तो शुरू से ही पता था कि कांग्रेस ही अपनी पार्टी है या कभी किसी और? नहीं, मेरे पिताजी समाजवादी थे, 1957 से समाजवादी पार्टी। अभी भी एक्टिव? अभी भी हैं, आज तो आए थे। वो आपको वोट नहीं डालते? हाँ, मैं पहली बार तो जब चुनाव लड़ा तो मुझे वोट नहीं किए थे। अच्छा, अभी भी नहीं डालते आपको? अब करते ही नहीं, करते नहीं पूछा लेकिन। अरे भाई, अब तो ईवीएम हो गया ना, दिखा नहीं सकते। हाँ सही बात है, पहले बैलेट पेपर था। हाँ तो बता दिए, देखो मैं अपने लड़के खिलाफ वोट डाला हूँ। आपकी लड़ाई नहीं हो जाती फिर? राजनीतिक रूप से लड़ाई होती है। अच्छा। विचारधारा बिल्कुल नहीं बनता। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं, उसका अलग विचारधारा है, हमारा। तो उनको आपकी सरकार का काम ठीक लग रहा है? नहीं, कई बार ठीक लगता है तो तारीफ कर देते हैं, कई बार ठीक नहीं लगता तो आलोचना भी कर देते। मेरे को ना एक गवर्नेंस वाला सवाल पूछना है आपसे। हाँ बताओ। कोई बहुत स्पेसिफिक मुद्दा नहीं, स्पेसिफिक आप हो सकते हो, लेकिन मैंने ना ऐसा पॉलिटिशियंस में देखा है, सब आंदोलन की राजनीति से ही आते हैं। मतलब किसी भी पार्टी का ओरिजिन देख लो, आपकी पार्टी का हो या भाजपा का हो या वाईएसआर कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी, जिसका भी। नहीं नहीं नहीं, सबका इतिहास ऐसा नहीं है। सबका इतिहास ऐसा नहीं है? चलो ठीक है, आपकी पार्टी का इतिहास तो ऐसा नहीं। इतिहास आपका कांग्रेस का इतिहास है, आंदोलन से। आपकी पार्टी आंदोलन से आए, लेकिन और जब जब पॉलिटिक्स में नहीं होते और जब ऑपोजिशन में होते हैं तब आंदोलन को एक नज़र से देखते हैं, और जब सत्ता आ जाती है तब आंदोलन को सही मतलब क्या उसको देखने का नजरिया बदल जाता है? क्योंकि आप तो इतने टाइम विपक्ष में रहे और अब सत्ता में हो, चाहे पार्टी किसी की भी हो, आंदोलन के साथ ट्रीटमेंट वही किया जाता है, चाहे जो भी पावर में आए। कुछ हद तक आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार आंदोलन ये है कि मांग जायज हो ना हो, लेकिन उसका उद्देश्य सरकार को डिफेम करना है या गिराना है, तो ये दूसरा उद्देश्य हो जाता है। कई बार ये रहता है कि सच में बहुत ज़रूरत है, ये होना चाहिए, तो फिर उसके सकारात्मक पहलू भी हैं, उसी हिसाब से फैसले भी होते हैं। बट हम लोग तो बातचीत, यही वाली जो सोच है, अगर मैं इंटरप्ट कर सकूँ, ये वाली जो सोच है ना कि ये आंदोलन सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए हो रहा है, ये सोच मुझे लगता है तभी आती है जब आदमी सत्ता में होता है। क्योंकि जब आदमी विपक्ष में होता है तब तो हर आंदोलन को सपोर्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब आंदोलन को सपोर्ट सब लोग, सभी राजनीतिक दल नहीं करते। क्योंकि जो सत्ता में होगा वो तो हर आंदोलन के बारे में यही बोलेगा ना कि यार ये तो ये मेरी सरकार बदनाम करने के लिए हो रहा है। जो दिख रहा है उसके पीछे उसकी सोच क्या है, जब तक उस चीज को आप नहीं देखोगे तो उस समस्या का निदान आप ठीक से नहीं कर सकते। जैसे मतलब जैसे आपकी सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट होते हैं? होते हैं। और सेंट्रल सरकार के खिलाफ भी होते हैं? मान लो अभी जैसे हमारे शिक्षा कर्मी थे, अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे नहीं, अब वो शिक्षा कर्मी रहते रहते उसकी डेथ हो गई। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसके लिए तो अनकंपा नियुक्ति है, लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उसके लिए अनकंपा नियुक्ति व्यवस्था नहीं है। अब वो आंदोलन कर रहे हैं अनकंपा नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हमारे परिवार के लोग जो शिक्षा कर्मी थे वो ख़त्म हो गए, लेकिन प्रावधान नहीं है, अब उसमें हम कुछ कर सकते नहीं, तो संवैधानिक बात देता है हमारी, उसको मदद भी करना चाहे तो नहीं कर सकते। अब वो आंदोलन कैसे आप कैसे हैंडल करोगे?
कैसे करोगे बताओ, आप बताओ, आप सीएम हो, मतलब उस मामले में आप कोई फैसला कर नहीं सकते। हाँ ये दिक्कतें हैं। बट क्या क्या कभी आपको भी किसी आंदोलन के खिलाफ स्टेट पुलिस या स्टेट मशीनरी यूज करनी पड़ी है, तो क्या तब कॉन्शियंस आपको अलाउ करती है? आपके टेनोर में कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस ने कुछ ऐसा कर दिया जो आपको बाद में लगा हुआ यार ये ज्यादा कर दिया मेरी पुलिस ने? अभी तक तो नहीं लगा, नहीं हुआ अभी ऐसा, अभी तक नहीं हुआ। और हमने कहा भी है कि पुलिस से भी कहा कि भाई जो आंदोलनकारी उसे बातचीत करके ही समस्या का निदान किया जाए, फोर्स का उपयोग नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ नक्सल समस्या है छत्तीसगढ़ में, बड़ी समस्या है, बहुत पुरानी भी है। हमारे यहाँ तो स्टेट पुलिस भी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी लगा हुआ है। मैंने इनसे बात की है कि हर आदिवासी नक्सली नहीं है, है ना। आप अपने कैंपों में रहते हैं क्योंकि घना जंगल है, घने जंगल के बीच में वो रह रहे हैं, तो और जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग आए हैं वो सब अलग अलग प्रदेश के आए हैं। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ की आबोहवा, यहाँ के सामाजिक परिस्थिति के बारे में उतने जानते नहीं हैं। वो जैसे कैंप से निकलते हैं कोई भी आदिवासी दिखे तो उनको लगता है कि ये नक्सली है, ये है, ये एक टाइप की ये था परसेप्ट। अभी भी तो अभी अब नहीं है। ओके, अब वही चेंजेस आए। वही मैंने कहा कि आप जब तक के कैंप से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके कैंप में लोग नहीं आएंगे, उनसे घुलेंगे मिलेंगे नहीं, यदि समदीस से मिलूंगे नहीं तो समदीस अच्छा लड़का है खराब है कैसे जानूंगा, उसे मिलना पड़ेगा ना मुझे। बिल्कुल ठीक बात है। आपके यहाँ ग्राउंड है, आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं तो स्थानीय लड़कों को बुला लो, आपके पास इलाज करने के लिए डॉक्टर है तो गांव के लोगों की इलाज भी कर दो, तो लोग आपसे घुलेंगे मिलेंगे, जानकारी होगी तो आपके प्रति उनका भी नजरिया बदलेगा। मतलब एक एम्पथी वाला अप्रोच रहना पड़ेगा एक। हाँ, अब वो संवेदनशीलता, संवेदनशीलता भी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि तब आप जान पाएंगे कि लड़के के साथ तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसके साथ वॉलीबॉल खेला हूँ, ये तो लड़का इसके लड़के को तो मैं मेरे यहाँ पढ़ने आया था, मैं पढ़ाया हूँ, ये आदमी इलाज कराने आया था, तो आदमी पहचान लेता है ना कि आदमी तो गांव का है यार, ये नक्सली नहीं है, नहीं हर आदमी नक्सली समझ लेता। तो मैंने कहा थोड़ा सा दोस्ती करो गांव वालों से, घटनाएं कम हो गई। तो ये डायरेक्टली आपकी इंस्ट्रक्शन है? हाँ, मेरा इंस्ट्रक्शन था। मैं जाके कैंपों में बात किया सब लोगों से और गांव वालों से बोला कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपको मारने के लिए नहीं आया, तो दोनों तरफ से ताली दोनों हाथ से बजेगी ना, एक हाथ से थोड़ी बजेगी। लास्ट टाइम बीजेपी से ऑफर कब आया था? क्या चीज? लास्ट टाइम बीजेपी से ऑफर कब आया था? किस चीज के लिए? ज्वाइन करने के लिए, मुझे नहीं पता किस चीज के लिए। नहीं हुआ, कभी नहीं आया। हाँ, आप लेके नहीं आए। आपको लग रहा है मैं बीजेपी वाला हूँ? कुछ भी हो सकता है। ये जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की जो मीटिंग होती है नीति आयोग के साथ भी, अभी 7 तारीख है, हाँ, आप लोगों की जो होती है, इन मीटिंग्स में कौन वो व्यक्ति है जिससे आपको बात करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? देखो ऐसा है, उस मीटिंग बड़ा हाल में सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, है ना, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ऐसे ठीक है कुछ, मतलब सेंट्रल के मिनिस्टर बैठते हैं, देश चला रहे हो वही आप, है ना, और सारे मुख्यमंत्री बैठते हैं। हाँ, बट उस हॉल के बाहर भी उससे पहले भी मेलजोल होता होगा? मेलजोल बिल्कुल। ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपका उस मीटिंग में आपको जिसके मिल के मजा आता है? अशोक गहलोत मत बोलना। देखो मेरे बगल में तो जो अल्फाबेट के हिसाब से बैठते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ना, तो मेरे बगल में बिहार के मुख्यमंत्री पहले बैठते हैं नीतीश कुमार जी, उनके साथ अच्छा है ना, अच्छी दोस्ती है? अच्छी दोस्ती है, वो सही लगते हैं आपको? बिल्कुल सही है। ठीक, और कुछ बताओगे? अब फिर इधर बैठते हैं केजरीवाल। अच्छा भाई, सी के बजाय डी, बी सी डी, है ना, तो फिर उनके बारे में कुछ बताओ। ठीक है, इन दोनों से अच्छी दोस्ती है आपकी? नीतीश कुमार से मेरी अच्छी दोस्ती, केजरीवाल से कभी मीटिंग में आते कभी नहीं आते। अच्छा, है ना, तो उतनी दोस्ती जैसी चीज नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार तो वैसे सीनियर है, मैं दोस्ती नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी है, मतलब बातचीत होती है। जो बाकी सीएम है उनसे कभी आप गाइडेंस लेते हो कि यार मैं अपने स्टेट में ये नहीं कर पा रहा हूँ, दोस्त तू समझा यार, तू तो इतने साल से सीएम है या आप इतने साल से सीएम? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ बताओ, आप किससे गाइडेंस लेते हो? अशोक गहलोत मत बोलना, वो तो सेफ आंसर हो जाएगा। जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री है, हमारी अच्छी दोस्ती है। अच्छा, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन जी से, शिवराज सिंह से भी बातचीत होती है, उसे भी ठीक है। गहलोत जी तो हमारे सीनियर है। कोई किस्सा सुनाओ ना, कुछ जो इंस्टेंस जब आपको कुछ, जैसे मैंने अभी वित्त मंत्री जी मीटिंग रखी थी, इसमें बजट के पहले, हाँ, निर्मला सीतारमन जी, तो हम लोग मीटिंग आयोजित किए, सारे वित्त मंत्री थे और जिसके पास मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग है वो मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि ये जीएसटी के जो कंपनसेशन है ये जून 2022 में समाप्त हो जाएगा, अब उत्पादक राज्य हैं और इसका हमको बहुत नुकसान होगा। ओके, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और
हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बात का समर्थन करें, सहमति जाहिर की, लेकिन उन्होंने कहा वो भी उत्पादक राज्य है तो राज्यों के हितों के मामले, बोले बघेल जी ने जो बात कही वो सही कही। इस टाइप भी हो जाता है, हो जाता है, जब राज्यों के हितों की बात होती है तो बहुत सारी सहमतियां बन जाती है। पर ऐसा इन मीटिंग्स में, ये जो आपने फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग, चीफ मिनिस्टर मीटिंग बताई, ऐसा कभी होता है कि आपको कोई ऐसा लगता हो कि यार ये कितना बेवकूफ आदमी है? ऐसा कोई है क्या? ऐसा नहीं कि अंडरस्टैंड, मतलब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो हम लोग बीच में हमेशा लड़ाई होती है। नहीं, मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा तो कोई हो जिसकी आईक्यू देख के आपको लगता हो यार ये क्या है, ये फाइनेंस मिनिस्टर बनने लायक व्यक्ति है क्या? ऐसा कोई नहीं है? या ये चीफ मिनिस्टर जिसका लगता हो कि नहीं यार, उसको तो पूरे देश जानती है, कि उसके प्रदेश के लोग जानते हैं, कौन कौन उसके बारे में मुझे क्यों बोल रहा हूं भाई? देखो ऐसा है कि मतलब इस टाइप का कोई है? बहुत सारे, देखो ऐसा है। अच्छा, ओके। हाँ, क्रिकेट में हमेशा तेंदुलकर थोड़ी चले, ठीक बात है, हमेशा कोहली नहीं चले, ठीक बात है, आजकल तो आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं, तो आपका पॉइंट क्या? तो वैसे ही हर राजनेता का रहता है, एक समय रहता है जब उसी के चलती है। अच्छा। लेकिन उसी के जीवन काल में उसी की स्टाइल है, वो पीट जाता है, लोग दूसरा चाहते हैं। नाम बताओ, चेंज हो जाता है। नाम बताओ, बहुत सारे नेता। कौन है? अरे ऐसा कौन नेता है जिसकी पिटाई नहीं हुई? नहीं, मैं पिटाई की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बघेल जी पिटाई मतलब, हाँ ऑब्वियसली वो वाली पिटाई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन है जो आपको लगता है इसमें वो आईक्यू लेवल नहीं है, इसमें वो समझ ही नहीं है, जो सिर्फ बाहुबल के बल, बाहु कई लोग हैं जिसको जो फैसला लेते हैं वो समझ के बाहर रहता है। मैं किसी का आलोचना नहीं, व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, छोड़ो, नाम मत लो, फिर भी बता दो। कई नीतियां रहती है जो निर्णय लेते हैं वो गलत साबित होता है, ठीक है, होता है, ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, आपको नहीं समझ आते, मतलब आपको नहीं समझ आते, आपको लगता है ये क्या निर्णय, ये नहीं करना था। क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट देखता था। कौन है फेवरेट क्रिकेटर? क्रिकेट देखना शुरू करे थे उसमें गावस्कर जी थे, है ना, गुंडप्पा विश्वनाथ थे, वेंगसरकर थे, कपिल देव, तो फिर क्रिकेट ज्यादा लोकप्रिय हुआ कपिल देव के बाद हुए, जब वर्ल्ड कप जीते, जब फाइनल जीत रहे थे तब आप देख रहे थे? देख रहे थे, देख रहे थे। हाँ, नाइट वाला जब हुआ, कीर्ति आजाद जो उस समय जो रनों की बौछार किए, वो भी मैच हमने देखा। अच्छा, फुल मेमोरीज हैं, क्रिकेट फैन रहे हो? हाँ, आप खेलते हो? कभी कभार। चलो खेलेंगे, खेलेंगे जब आप कैजुअल हो जाओगे एकदम, अभी तो थोड़े फॉर्मल बैठे हो। देखो ये तुम्हारी कमजोरी कि मुझे अभी तक कैजुअल नहीं कर पाए। ओ, ये बात ये लो कैच इतना जोर से अपने स्टेट में वायलेंस, ऐसा मत करो भाई, क्या करो, तुमने पकड़ लिया तो स्लो देख, इतना धीरे फेंकोगे तो वो गड़बड़ होता है, लूज बॉल में चौका छक्का मारने के चक्कर में आदमी आउट ही हो जाता है। सही बात है, ठीक है। ओए ये देखो और क्या, अब बताओ, अब एकदम अचानक से फेंकोगे ना? सरप्राइज करोगे, मुझे पता है, सरप्राइज करोगे, तुम्हारी नजर इसमें है। नहीं नहीं नहीं, अभी इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा भाई, इंटरव्यू लेने दो, ये क्या कर रहे हो? ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करने में कोई आपको कोई टेंशन आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, या सब बढ़िया से काम कर रहे हैं? देखो प्रॉब्लम तो सब जगह आती है, तो ब्यूरोक्रेसी के साथ कोई स्मूथ चले ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट ऐसे रहते हैं कि कोई काम बता दो तो कैसे इस काम को एग्जीक्यूट करना है, वो रास्ता निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। हाँ, कुछ कैसे भी करके वो काम कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अधिकारी ऐसा रहते हैं कि जो स्मूथ हो रहा है उसको कैसे समस्या ग्रस्त करना है उसमें भी महारत होती है, वो अटका देते हैं भाई, अटका देते हैं, अटका देते हैं। आपको भी दिख रहा है कि अटकाने वाला व्यक्ति? हाँ, फिर आप क्या करते हो? उसे काम लेना ही तो मुख्य बात है। अच्छा, ऐसे लोगों से भी काम ले लेना तो आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। आपका ये ढंग नहीं है कि असल ये तो अटकाने वाला, इसको ट्रांसफर ना ना, ना, ना उसी से काम करा लेते हैं। अच्छा, कैसे नहीं काम करेगा? कुछ ऐसे भी अफसर होते हैं कि आप जिस पार्टी से उसी वजह से आपका काम नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है ब्यूरोक्रेसी में? नहीं ना, ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं है। कई लोगों आदत ही होती है काम नहीं करना, अटकाना ही, कई लोगों को डर लगता है मेरा कलम तो नहीं फंस जाएगा। अच्छा, उसका आनंद नहीं करते भाई लोग, कलम फंस जाएगा मतलब? अरे दस्तखत करेगा मतलब कलम फंसाना? हाँ, कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा, वो डरा रहता है। ये डर भी है? सबसे ज्यादा अधिकारी उसी डरते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? तो अधिकारी किससे डरता है? मुझे नहीं पता, आप बताओ। वो दस्तखत करने पहले 10 बार सोचते हैं ऐसा है क्या? ओ भाई, ये मुझे किसी ने नहीं बताया आज तक। लो वाला संगत किए नहीं ठीक से। हाँ, मैं आपके पास ही आऊंगा, अब इलेक्शन से पहले भी तो इंटरव्यू लेना है। अच्छा, तो ज्यादातर बहुमत किसकी है?
जो काम करना चाहते हैं या जो काम अटकाना चाहते हैं या संतुलन? देखो, ऐसा है कि हर समाज में, हर युग में कुछ ही के आदमी रहते हैं जो उंगली में रहते हैं, वो लोग काम करते हैं। जिले में मान लो कोई SP अच्छा काम कर रहा है, कोई कलेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, कोई जिला शिक्षा अधिकारी काम कर रहे हैं, वो दिख जाता है ये अधिकारी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। पब्लिक ओपिनियन बन जाता है, वो अलग से दिखता है। दिखता है, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वही सिस्टम मान्य रहते हैं। कितनी सैड बात है। तो अगर सब लोग अगर विलिंग हो जाएं, अगर सारे अफसर ऐसे एनर्जेटिक या चेंज वाले हो जाएं, तो क्या स्पीड बहुत बढ़ सकती है डेवलपमेंट? कभी ऐसा हुआ नहीं ना, कभी ऐसा होगा। आप क्योंकि CM रहे हो अब इतने साल, क्या हो जाए तो क्या आपको लगता है कि जो विकास चाहिए उसकी स्पीड बहुत बढ़ सकती है? बहुत बढ़ सकती है अगर ब्यूरोक्रेसी में एक एनर्जी आ जाए। हाँ, कुछ ऐसे भी अफसर होते हैं जो आपको पता है कि ये भ्रष्ट है, करप्ट है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा इसके साथ, क्या ऐसा भी कुछ होता है? जो भ्रष्ट है, जान गए हैं, तो उसकी कमजोरी पकड़ी की जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सही बात है, पर क्या ऐसा कोई नेता है जिसके साथ आपको काम करना पड़ता है लेकिन आपको पता है कि यार ये तो करप्ट आदमी है? लेकिन समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, हम जानते हैं कि ये है, तो उस भैया दूर ही रखो उससे। कोई आपकी पार्टी में भी तो ऐसे होंगे जो आपको पता होगा कि कोई दल नहीं है जिसमें अच्छे लोग नहीं है, कोई दल ऐसा नहीं है जिसमें खराब लोग ना हो, कोई जाति ऐसे नहीं है जिसमें सब बुरे हों, ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें सब अच्छे हों। फिर जमीर पे एक चोट नहीं पड़ती जब करप्ट लोगों के साथ काम करना पड़ता है? कॉन्शियंस कुछ बोलती नहीं कि यार तो उससे काम कराना है आपको, उतने ही काम दो जिसमें गड़बड़ ना कर सके। अच्छा, ऐसा नहीं करना पड़ता कंट्रोल में रखना पड़ता है तो फिर गूगली कर रहे थे पहचान गया आप मेरी गूगली को पहचान गए। सच सच बताना अभी बात, कितनी बार ऑफर आते हैं क्या बहुत अमीर कॉरपोरेशंस के कि भाई हमें रिसोर्सेस दे दो, हम जहाँ आदिवासी रहते हैं उस लैंड को यूज करेंगे, रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करेंगे। कितना ऑफर ये ऑफर्स आते हैं और कितना आपको उनको रिजेक्ट करना पड़ता है? नहीं, हमने तो स्पष्ट कहा है कि औद्योगिक नीति बनाने के बाद हमने कहा कि आदिवासियों की 1 डिसमिल जमीन नहीं लोगे आप, सरकारी जमीन है ले लो, हम सरकारी जमीन उपलब्ध कराएंगे, उससे आप बना लो, हम आपको आदिवासी जमीन नहीं लेने। एकदम क्लियर है, क्लियर है। पर इससे क्या इकोनॉमिक लॉस नहीं होगा छत्तीसगढ़ को, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट हो सकता है जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज की जा सकती हैं? उसकी प्रक्रिया है, उसमें कोई बुराई नहीं है। भाई हमारे छत्तीसगढ़ खनिज है, तो बिना खनिज के, दोहन के बिना यहाँ करते व्यवस्था कैसे चलेगी? लोगों को मकान बनाना है, सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना है, तो आपको गिट्टी भी चाहिए सड़क बनाने के लिए, तो पुल बनाना है तो आपको छड़ भी चाहिए, आपको बिजली उत्पादन करना है तो कोयला भी चाहिए। प्रकृतिक उतना नुकसान नहीं होना चाहिए लेकिन प्रकृति से उतना लेना पड़ेगा यदि आपको विकास चाहिए, तो दोनों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है। तो संतुलन जरूरी है, बहुत जरूरी है। अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान? देखो हम लोग तो अमिताभ बच्चन के समय के हैं। फिर भी कौन? जब हम बच्चन तरुण थे, मतलब तरुणाई में थे, जब स्कूल 11वीं पढ़ रहे थे या कॉलेज में आए, तो समय अमिताभ बच्चन का युग था। अमिताभ बच्चन या विनोद खन्ना? उसे तो अमिताभ ही अच्छा लगता, उस समय तो विलेन में आता था विनोद खन्ना, बाद में फिर धीरे धीरे बाद में तो हीरो बना हो अमिताभ को, लेकिन उसके बाद तो वो ओशो में चले गए वो अच्छा पीक में था और छोड़ के चला गया। सही बात है, एकदम पीक में चला गया। हाँ, अच्छा नहीं किया था। आपकी फेवरेट अमिताभ बच्चन फिल्म कौन सी शोले के अलावा? शोले में अभिमान भी बहुत अच्छी पिक्चर थी। अभिमान बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत पिक्चर थी, कई बार देखा हमने। अमिताभ और धर्मेंद्र की पिक्चर थी जिसमें शर्मिला टैगोर थी, जिसमें प्रोफेसर वगैरह बने रहते हैं। चुपके चुपके डॉक्टर परिमल त्रिपाठी, अरे रत्ना का बुखार उतर है ना वाह, तो बहुत ही खूबसूरत। राजेश जी के साथ वो पिक्चर आया था आनंद ऋषिकेश मुखर्जी, सारी कितनी बढ़िया पिक्चर थी, सामाजिक बहुत ही खूबसूरत। आपकी सरकार गिराने की कोशिश होती रहती है क्या? लगे रहते हैं भाई लोग, लगे रहते हैं छोड़ेगा थोड़ी, आपको इन्फॉर्मेशन आती रहती है, चलते रहता है। फिर आप क्या करते हो? उसे कैसे बचना, वो उसको लगे रहते हैं फिर आप क्या करते हैं? सरकार बचा कर रखो कुछ दूसरे सीख लेते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है तो अपन देखे भाई। फिर हाँ, आपने क्या किया जब महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, तो आपने उसके बेसिस पे अपने में कुछ चेंज किया क्या यहाँ पे? चेंजेस तो लाना ही पड़ेगा। मान लो राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, सरकार गिरा है, विधायक ही भाग गए, पता ही नहीं चला तो आप हर विधायक को खुश रखते हो क्या? ऐसा करते हो, संपर्क में रखना ही पड़ेगा। अभी चल रही है कोशिश छत्तीसगढ़ में? अभी तो नहीं चल रही, अभी नहीं चल रही है। फोन वन टैप करवाते हो क्या? फोन वन टैप वैप कराते हो क्या? बिल्कुल नहीं कराते भाजपा वालों का। हाँ, नहीं होता ही होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हर स्टेट की सरकार कराती है। टेप होता है वहाँ से? अच्छा, वहाँ से आपका होता है? सबका होता है। क्या बात कर रहे हैं, बहुत होता है, पक्की जानकारी है?
सूचना इसी है सूत्रों से सूत्रों से अरे मतलब एक बहुत भारी एलिगेशन लगा रहे हो मुख्यमंत्री हैं आप मतलब अभी पता है होम मिनिस्ट्री में कि मैं आया हूँ आपका इंटरव्यू लेने हाँ सबको पता है भैया भाई वाह हम तो फेमस हो गए अरे वाह हिट लिस्ट में आ जाओ मैं क्यों आऊँगा मैं तो आपसे इतने टफ सवाल पूछ दिया हिट लिस्ट होती है कुछ सोच के रहो मतलब वो वाली हिट लिस्ट वो वाली हिट लिस्ट फिर कौन सी अब हिट लिस्ट मतलब ये है कि उसके टारगेट में आ जाओगे इसको ठीक करना है तो आप भी क्या पत्रकारों के बारे में ऐसा सोचते हो कि वो जनसंपर्क वाले पूछ लो कैसे करते हैं आपको कभी ऐसा कोई छत्तीसगढ़ का पत्रकार कोई अनकंफर्टेबल न्यूज छापे तब आपको लगता है कि यार इसको ठीक करना पड़ेगा नहीं मैं कभी नहीं बोला कभी नहीं जबकि मेरे पत्रकार लोग सबसे ज्यादा मित्र हैं अच्छा शॉपिंग कहाँ से करते हो शॉपिंग में नहीं करता करते ही नहीं ये सब गिफ्ट मिलता है नहीं गिफ्ट नहीं मिलता फिर मिसेस खरीदती है अच्छा वो क्या करती हैं गृहिणी है कितने साल हो गए शादी को 40 साल लव मैरिज ना जी अरेंज मैरिज अरे इसमें इतना क्या करना ना जी हो भी सकती है लव मैरिज हो सकती है लेकिन तो आपने इतनी वेहेमेंटली ना जी क्यों बोला है हाँ तो नहीं हुआ ना जी अरे यार तो इतना क्या ना जी हाँ हाँ तो शादी के बाद लव हुआ ना जी शादी का लव हुआ है शादी के बाद लव हुआ हुआ हाँ तो वो सवाल ही नहीं उठता मुझे क्या पता आपको आपको बताना पड़ेगा ना आप बता ही रहा हूँ हाँ वेरी गुड जी अभी है एक्टिव एकदम बिल्कुल हैप्पी मैरिज बताओ कुछ उस लव के बारे में अरे अरे वो कह रहे ये 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 किस लड़के को ले आया लव मैरिज के बारे में पूछ रहे आपको डेटिंग ऐप्स के बारे में पता है क्या नहीं पता कुछ तो पता होगा कैसे होता है झूठ बोल ले कैसे नहीं? होता है अच्छा मतलब इसमें कुछ होता है ये तो पता आप बताओ ना कैसे होता है डेटिंग हो रहा है पेपर में पढ़ते हैं हम लोग नहीं डेटिंग तो हो रहा है डेटिंग होता है ऐप्स ये क्या होता है मतलब फोन में एप्लीकेशन आती है ये तो पता ही है क्या इसीलिए तो कांग्रेस पीछे है नहीं। आपको ये आपको पता ही नहीं यूथ क्या कर रहा है हाँ। डेटिंग ऐप्स वो कैसे होता है मतलब मैंने एक डेटिंग ऐप जैसे इंस्टाग्राम जैसे एक ऐप है हाँ। वैसे एक एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाली जिसका नाम XYZ हो सकता है वो किसी और लड़की ने भी डाली सारी दुनिया ने डाली दिख गया कि लोगों की लोग इस पे है प्रोफाइल उस पे आप मैच करते हो अच्छा अगर दो लोग मैच हो गए तो एक चैट बॉक्स खुलता है फिर आप चैटिंग करते हो कि मिलना है कि नहीं मिलना है नहीं ये सब नहीं नहीं आज तक कभी नहीं रायपुर में भी यूज कर रहे हैं बच्चे करते होंगे अब वो दौर हम लोग दौर ये नहीं हम लोग दौर निकल गया नहीं मैं अरे क्योंकि आप तो सीएम हो तो आपको तो अपडेटेड रहने की जरूरत है ना हो सकता है इस पे कोई लॉ लाने की कोशिश हो जाए जरूरत हो सकता है ना है कि नहीं जिस एक्ट से गवर्न हो रहा है वो सब सेंट्रल एक्ट है अच्छा आईटी वाले हां आईटी एक सेंट्रल तो मतलब आपको पता है कि सेंटर में अपनी सरकार तो आनी है नहीं तो इस पे बारे में क्या सोचना अभी नहीं है आनी नहीं है ये तो बोल रहा ये तो ऐसे ही जोक मैं वही बोला अगर मजाक ज्यादा हो जाए तो बता दीजिएगा आप कभी अशोक गहलोत के साथ ऐसा डिस्कस करते हो कि यार हम ही दोनों हैं अब तो अब पता नहीं और कोई आएगा कि नहीं कोई बात नहीं है अब आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद आप लास्ट नहीं हो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर नहीं नहीं इसके बाद और अब तो लाइन लंबी होगी अरे होगी देखते हैं भूपेश भाई किधर आपको बुला लूं ना आई कैन कॉल यू भूपेश भाई राइट हां जब से आप सीएम हो तब से आपसे सबसे बड़ी सीख क्या रही है इस टाइम की क्या सबसे बड़ी चीज सीखी है आपने सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई कार्यक्रम कोई काम हाथ मिले रहे हो और सबसे विचार विमर्श करके कोई फैसला करोगे और सबसे का मतलब क्या हर मंत्री या फिर ऑपोजिशन भी नहीं 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 जिस वर्ग के लिए काम कर रहे हो तो उसे तो होना चाहिए बिल्कुल मान लो लॉकडाउन भी लगाने की बात आई तो उसमें व्यापारी से पूछ लो चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले से पूछ लो जिसको बंद कराना है पुलिस उससे पूछ लो तो पूछ के करोगे तो काम सफल हो जाता है ऐसा कभी हुआ जब आपने शुरुआत में कि नहीं पूछा और आपको उसका भुगतना पड़ा नहीं ऐसा नहीं हुआ आपकी सरकार परफेक्ट चल रही है क्या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सरकार एकदम ठीक चल रही है ठीक तो चल रही है अच्छी चल रही है ठीक नहीं अच्छी चल रही है अच्छी चल रही है चलो आपकी सरकार के छोड़ो कांग्रेस पार्टी का कोई क्रिटिसिज्म जो आपको लगता हो भाई ये ठीक बात है इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा इस इंटरव्यू में ना सच बोलना पड़ेगा यदि पार्टी पुरानी पार्टी हमारी है बिल्कुल तो हमारे जो काम करने के तौर तरीके हैं फैसले लेने के तौर तरीके हैं वो परंपरागत रूप से चली आ रही है हम चुनाव भी लड़ते हैं तो उसी परंपरागत ढंग से चुनाव लड़ते हैं अब आज के ज़माना आ गया हम लोग पहले क्या करते थे माउथ पब्लिसिटी करना है प्रोग्राम करना है नुक्कड़ सभा करना है सभाएँ करना है मीटिंग करना है आज यहाँ फैसला करो फैसला कमरे से निकले नहीं वो सारी चीज़ें मोबाइल में सबके घर में पहुँच गया
यूथ के पास तो वो ना पेपर पढ़ता ना टेलीविजन देखता, वो तो केवल हाथ में जो मोबाइल है उसी में सब कुछ देखता है, तो उसी से मानसिकता बनाता है। उससे उस लड़ाई में हम पिछड़ गए, हम लोग उसको लेना था, पूरे हाथ में ही पूरे दुनिया आ गई। पर ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से हाँ सरकार चलाना क्या और आसान हो गया? चाहे डेटा कलेक्शन की बात करें, चाहे इम्प्रूवमेंट करने की बात हो, तो टेक्नोलॉजी से बिना संभव ही नहीं है। आते युग ही टेक्नोलॉजी का, वो जरूरी हो गया, बहुत जरूरी है। जो हमारे परंपरागत जो कार्य हैं उसमें टेक्नोलॉजी थोड़ा सा लग जाए तो गुणात्मक सुधार आ जाता है, एक्सपोनेंशियली राइज हो जाता है। तो ऐसा कोई एग्जांपल है क्या छत्तीसगढ़ में जहां टेक्नोलॉजी का आपने यूज किया हो? हर जगह टेक्नोलॉजी का, कोई विभाग हो, कोई भी काम हो, सब में टेक्नोलॉजी, उसके बिना संभव ही नहीं आज के समय, सोच नहीं सकता कोई। सही बात है। डेटा और टेक्नोलॉजी से इलेक्शन जीतना भी क्या आसान हो? मतलब क्या डेटा से आपके इंफॉर्मेशन बहुत सारे मिल जाते हैं, उसे एनालिसिस आप अच्छे से कर सकते हो, डिसीजन आपका फास्ट हो जाता है। जैसे अब कोरोना आया, लॉकडाउन, अब मिल नहीं सकते, तो ये साइंस का ही कि वर्चुअल मीटिंग कर लो। ठीक बात। और सरकार भी इसका लाभ उठा रही है? लाभ उठा रही है, लोगों सुन पा रहे हैं और आदेश भी कर रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं, समस्याओं की जानकारी भी आ रही है, फैसला भी हो रहा है। कितने घंटे सोते हो? मतलब 5-6 घंटे सोने की कोशिश करता हूँ। सोते हो ना आराम से? वो तो नहीं कि 4 ही घंटे सोता हूँ सारा ना, नहीं देश की मतलब मेरी कोशिश होती है कि 5 से 6 घंटा सोऊं। पब्लिक से बहुत डिमांड आती होंगी आपको, बहुत मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे अजीब डिमांड क्या आई है आज तक जो आपको लगा अबे ये क्या डिमांड है? जैसे एक नौजवान लड़का बोलो मेरी शादी करा दो, ये भी हो रहा है? हाँ। आपने फिर? मैं बोला लड़की खोज लो यार, मैं व्यवस्था करा देता हूँ शादी की। तो फिर उसकी शादी हो गई या नहीं हुई? अब सब लड़के लोग मजाक भी कर लेते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री के साथ मजाक? अरे तो अभी आप क्या कर रहे हो? जब आप मजाक कर सकते हो तो मेरे छत्तीसगढ़ के लोग नहीं कर सकते? यहाँ के लोग तो खुद ही मजाक करते हैं है, मुख्य नहीं, मुझे एक डर का माहौल लगा मेरे को, सब डरते हैं आपसे। बहुत मेरे स्कूल के बात करते हैं, मेरे जितना खुल के बात करते हैं पहले कभी किसी मुख्यमंत्री से नहीं किए। बहुत अच्छी बात है, तो मजाक करते रहना चाहिए। आपका फेवरेट नॉन कांग्रेस पॉलिटिशियन कौन है, अभी वर्तमान में कि पहले? कभी, ऑल टाइम, इंडिया, अमेरिका का भी बता सकते? अरे अमेरिका अमेरिका नहीं, जैसे जयप्रकाश नारायण। हाँ, बहुत प्रभावित करते थे। फैसिनेटिंग नाम लिया आपने, जेपी का नाम लिया, बहुत ही डेयरिंग बात है। डेयरिंग की क्या बात है? अरे इंदिरा जी के खिलाफ जो मेन प्रोटेस्ट किया वो जेपी ने किया, तो भाई मेन बात है। अरे नेहरू जी के दोस्त भी थे तो क्या हो गया? जब नेहरू जी की बेटी थोड़ी तानाशाह हुई तब उन्होंने भी आंदोलन किया ना। ठीक है, आंदोलन किया, उसके पहले की बात बता रहा हूं। हां, अच्छी बात है। मतलब जब यूथ थे, जब 42 के आंदोलन में सारे प्रथम पंक्ति के नेता को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल में ठूस दिया था, तो वो आदमी आगे बढ़ा। आप दारू पीते हो? शराब नहीं, पहले पूछना अलाउड है ना? पूछ लो, पहले पीते थे, पहले पीते। आपका फेवरेट क्या था? रम, विस्की, क्या बियर? विस्की पी लेता था। विस्की पीते थे? देसी भी, महुआ। अच्छा। हाँ, मैंने नहीं कभी पी देसी। अरे हाँ, बहुआ यहाँ पे मिलती है? मिल जाएगी, मंगवाओ बस, सीएम हाउस में थोड़ी आएगी। नहीं, यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, मिलती तो मजा आ जाता। ओ भाई, आपको कभी तो ऐसा लगा होगा ये 3.5-4 साल में कि यार ज्यादा काम आ गया, क्या अकेला व्यक्ति कर सकता है, क्या मैं इतना सक्षम हूँ, ऐसा सेल्फ डाउट तो होता होगा? नहीं, काम का दबाव हमेशा बना रहता है। हाँ, पर स्वाभाविक है सेल्फ डाउट थोड़ा होना, नहीं होता? बहुत ज़्यादा कई बार वर्कलोड होता है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, तो लगातार चलते रहता है। नहीं, पर क्या कभी सेल्फ डाउट होता है कि यार बीच बीच में 2-4 घंटे गैप मार लेते हैं, बढ़िया म्यूजिक सुन लो तो लान में बैठ जाओ, थोड़ा टहल लो, कुछ मित्रों के साथ गप्पाजी हो जाए। आपके कोई नॉन पॉलिटिकल मित्र हैं क्या? बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल, नॉन ही पॉलिटिकल मित्र हैं, पॉलिटिकल भी है नॉन पॉलिटिकल, वो आते हैं यहाँ पे, मिलते रहते हैं। कोई बताओ, कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बताओ उसमें से। बहुत सारे लोग हैं, नाम बताऊंगा तो फिर वो सब उसके पीछे पड़ जाएंगे। फिर उसके साथ आधा एक घंटा चर्चा कर लीजिए। हाँ, तो उन दोस्तों के साथ जब मिलते हो तब बात क्या चलती है? तब वो राजनीतिक बात नहीं होती भाई, सामाजिक बात होती है, कोई विषय में कोई घटना घटी है, है ना, साइंस के क्षेत्र में कुछ हुआ, साइंस के क्षेत्र में बात होती है, क्यों नहीं होगी? लास्ट बताओ क्या बात हुई थी? अरे अभी जैसे हाँ रिसर्च के बारे में बात हुई, हमारे पास ट्रैक्टर है, ठीक है, है ना, जिसे जुताई करते हैं, ठीक है, एक समय था जब बैल से जुताई होती थी, ठीक है, बैल खाली हो गया ट्रैक्टर आने से, तो सस्ता कैसे किया जाए, तो बुल ट्रैक बनाया जाए, और बन भी गया कल, उसका हम लोगों ने लोकार्पण भी कर दिया, उसको जनता के सामने ले आए। अच्छा, मतलब नॉन पॉलिटिकल दोस्तों ने ऐसा सुझाव दे दिया, कर दिए। कोई तो ऐसा दोस्त होगा जो बोलता हुआ यार भाई तेरी सरकार ठीक नहीं चल रही?
बहुत लोग बोल रहे हैं सारे आपके सपोर्टर हैं। जैसे मान लो उस समय कोरोना का सेकंड वेव आया था और चारों तरफ मतलब अरे तब तो बहुत बुरा था। बहुत बुरा तब लोगों ने कहा कि आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। आपके दोस्तों ने भी बोला बोला दिन रात उसी में लगे रहे। 8 दिन बाद कंट्रोल आया तो फिर लोगों ने कहा हम तो उम्मीद छोड़ दिए थे लेकिन अब व्यवस्थित हो गया। क्या खाते हो नाश्ते में? नाश्ता में तो छत्तीसगढ़ी भी है साउथ इंडियन भी है। अब बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला या बहुत हैवी वाला नहीं कर पाता। जो इडली या डोसा आपका फेवरेट क्या? इडली ज़्यादा है। इडली इडली मज़ा नहीं आता। नहीं आता डोसा ज़्यादा। डोसा अच्छा लगता है मुझे। सांभर बड़ा भी अच्छा लगता है। नेटफ्लिक्स वगैरह देख टाइम ही नहीं होगा ना पर देखते हो गए OTT वगैरह नेटफ्लिक्स और ये सब? नहीं देख पाता। नहीं देखते हो? पाता। कॉफ़ी विद करण देखते हो? नहीं देखते हो गए पर ऐसे पूछ लेता हूँ कॉफ़ी विद करण देखते हो? अभी नहीं देखा। अभी लास्ट पिक्चर में हम लोग देखे बुलंद अमेज। बुलंद बुलंद अमेज अच्छा राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। बिना क्या है आपकी लाइफ की फिलॉसफी क्या है? चलो बताओ। सेवा सबसे बड़ा माध्यम है। यदि आप विवेकानंद जी या महात्मा गांधी का पढ़ेंगे तो सेवा सबसे बड़ा माध्यम उन्होंने माना। बड़ा आपका कोई पर्सनल एम्बिशन भी तो होगा कि यार मुझे बड़ा नेता बनना है या ये तो आप जो जब से तब से यही आंसर दे रहे हो कि सेवा मुझे पसंद है। तो भाई अपना एक निजी एम्बिशन भी तो होगा कि यार पहले मुझे था क्या था? पहले ये था कि मुझे विधायक बनना है। हाँ। है ना मंत्री बनना है। हाँ। मुख्यमंत्री बनना और क्या बच गया? केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री बस यही तक के सोचे थे। अरे क्या बात कर रहे हैं अभी तो इतनी 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 लंबी सीढ़ी है और नहीं कुछ करना यही तक बढ़िया। कांग्रेस में इतना ही हो सकता है क्या? ऐसा कुछ नहीं मुझे तो ऐसे लग रहा है। कौन सी एक चीज है मुख्यमंत्री बनने के बारे में जो आपको पसंद नहीं है? मुख्यमंत्री बनने के बाद तो पर्सनल लाइफ कुछ रहता नहीं बॉस। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। अभी इस दरवाजे से अंदर जाओगे तो पर्सनल लाइफ कुछ नहीं। उसके बाद तो फोन है ऑफिस से फाइल है हर वक्त होता है वो तो रहेगा ढेरों रहता है। तो ये तो आपके लिए रिलैक्सिंग टाइम हो गया है? रिलैक्सिंग या आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा अभी? नहीं नहीं वो जरूरी भी है लेकिन वो भी प्रेशर बना रहता है हर वक्त हर समय। आपकी वाइफ क्या बोलती है फिर? राजनेताओं के जो पारिवारिक जीवन में सबसे ज्यादा यदि प्रभावित होते तो परिवार के लोग होते हैं। तो वो नहीं वो एकदम परेशान नहीं हो जाते? बच्चे लोग जो हैं चाहे पत्नी हो तो जैसे दूसरे के पति जितना समय देते हैं उतना समय पत्नी के लिए नहीं दे पाते। बच्चे बच्चों को बोलोगे तो बच्चे भी मिस करते हैं और सेक्रीफाई चाहे पत्नी हो चाहे बच्चे हो सबसे ज़्यादा सेक्रीफाई उनका रहता है। बच्चों की क्या एज है? मेरे बच्चे तो बड़े हो गए। बड़े हो गए अब उनके भी बच्चे हो गए नाती पोते हैं। हाँ उनको भी टाइम दे पा रहे हो? नहीं नाती पोते वो भी मिस करते हैं मतलब आते जाते हैं मिलते हैं लेकिन सबसे ज्यादा राजनेताओं के साथ में केवल भूपेश बघेल की बात नहीं है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा इसलिए शायद शादी वादी नहीं करते हैं नेता है? बहुत सारे नेता तो शादी बहुत कम लोग हैं बचा तो सब शादीशुदा यार 1% भी नहीं होगा जो शादीशुदा नहीं है। हाँ सही कह रहे हो। चलो लास्ट में छत्तीसगढ़ की एक ऐसी चीज बता दो लास्ट सवाल है जो व्यूअर्स को नहीं पता होगी जो एक चीज जो बाहर की दुनिया को नहीं पता छत्तीसगढ़ के बारे में। ऐसी चीज बताता हूँ ठीक है बताइए जो सबके लिए छत्तीसगढ़ के बाहर या छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोग इस चीज को नहीं जानते। अच्छा छत्तीसगढ़ के लोग भी नहीं जानते? हाँ, क्या बहुत लोग नहीं जानते। छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं हमारे बस्तर में बहुत प्राचीन उनकी सभ्यता है। ठीक है वो अपने देवी देवता के साथ धान की बुआई भी करेंगे उसके साथ निंदाई भी करेंगे उसके साथ फसल काटते हैं उसके साथ धान की कुटाई भी करेंगे हर चीज में इन्वॉल्व करते हैं अपने देवी देवता को। अच्छा और हर चीज शेयर करते हैं वो बीमार पड़ गया कोई चीज की जरूरत है तो उसको आह्वान करेंगे उसको उस समस्या का समाधान करने के लिए कहेंगे और जब वो ना करे तो एक जगह है बस्तर में। हाँ। जहाँ उनके जो देवता है उसके वहाँ कोट लगता है। अच्छा हाँ और जो देवता यदि काम ना किया हो हाँ। सजा सुनाई जाती है देवता को। हाँ और उसको सजा दी जाती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि देवता को सजा दी जाती है। ये बस्तर जिले में? बस्तर में है बस्तर समाज में। ये तो बहुत ही फैसिनेटिंग बात है। देवता को भी सजा देते हैं काम नहीं करे तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए वो आदिवासी करते हैं हमारे। ये तो बहुत ही फेयर सिस्टम है। हाँ बहुत बढ़िया सिस्टम है। हाँ बिल्कुल तो सुनवाई होती है उसके फिर फैसले होते हैं सजा दी जाती है ये काम नहीं किया। बहुत फैसिनेटिंग सिस्टम बताया तो आपने।
सही जवाब दिए ना, एकदम ठीक जवाब है। अब 5 जवाब और दे दीजिए फिर जान दूंगा। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ। ये जो मास्टर कैमरा है, हाँ। मुख्यमंत्री जी, हाँ जी, ये जो मास्टर, ये वाला दिखा दो भैया एक बार, पॉइंट कर दो, ये वाला जो कैमरा है, हाँ। इसमें देख के बता दीजिए कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति के साथ बात करने का, जो आपने 2 घंटा अपने बिजी शेड्यूल से निकाला, उसका जो एक्सपीरियंस रहा वो बताइए। समदीप जी के साथ छत्तीसगढ़ी में हो जाए आज, समदीप जी के संग में 2 घंटा हम बातचीत करें, बहुत अच्छा लगा। मजा आई खूब आनंद आई। सच में या ऐसे झूठ मूठ बोल रहे हो? सिरतोन मजा आई। और एक और बोल दीजिए कि भाई इनके YouTube चैनल को अनफिल्टर्ड बाय संदेश को सब्सक्राइब करिए। सॉरी ज्यादा कर दिया आपके लिए। इनका जो YouTube चैनल है, हाँ, अनफिल्टर्ड बाय संदेश, हाँ, ये बोलिए फिर मैं आगे का बताता हूँ। इनका जो YouTube है अनफिल्टर्ड बाय संदेश, उसको सब्सक्राइब करिए अभी करिए इसी वक्त। और अगर आपको अगर आप दुनिया में कहीं भी कांग्रेस के सपोर्टर हैं, दुनिया में कहीं भी कांग्रेस सपोर्टर हैं, तो क्या करना है कांग्रेस के सपोर्टर को? वही तो सवाल पूछ रहा है। सब्सक्राइब कर रहे हैं? नहीं, अरे नहीं। वही तो कांग्रेस का सपोर्टर पूछ रहा है करना क्या है। और एक गाना बघेल जी गाएंगे जिसके बाद हम ये कार्यक्रम समाप्त करेंगे। कौन सा गाना गा देंगे? कोई भी हो जाए, अमिताभ बच्चन का हो जाए, हैं? अमिताभ बच्चन की फिल्म का हो जाए। अमिताभ बच्चन कौन सा गाना गा देंगे? कोई भी। कौन सा आपका फेवरेट? कोई अरे कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम, नहीं ऐसा नहीं, नहीं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के जैसे तुझको, चलो आओ, बस बस हो गया। अरे आओ ना, इतना अच्छा, बस इतना हो गया, बहुत सुंदर लग रहा था। अरे बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच मुख्यमंत्री साहब, थैंक यू सो मच। तो भाई वीडियो तो मैं होप कर रहा हूँ जितना मज़ा मुझे आया इस वीडियो को शूट करने में, उतना ही मज़ा आप लोगों को आया होगा इस वीडियो को देखने में। लेकिन इस वीडियो को पूर्ण विराम लगाने से पहले भाई आपको बता दूँ, जैसे अभी भूपी भाई और मैं बात कर रहे, बघेल साहब और मैं अभी टेक्नोलॉजी और डेटा ये सब की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे ना, तो भाई ये तो सबको पता ही है कि इंडिया का आईटी सेक्टर और टेक सेक्टर बूमिंग है। लेकिन अगर आप में से कोई इस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहता है तो आपके लिए एक बढ़िया एक ऑनलाइन टॉप अकेडमी है जिसका नाम है scaler.com। भाई scaler.com के स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा साइंस में पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप दी जाती है बाय टॉप टेक प्रोफेशनल्स ऑफ टॉप कंपनीज। तो अगर आप कॉलेज के बाद निकलते ही जॉब रेडी हो जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री रेडी होना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया पैकेज पाना चाहते हैं, एक ड्रीम जॉब में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो इसी वक्त जाइए हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में scaler.com की जो वेबसाइट का लिंक है उस पर जाइए और रजिस्टर करिए, इनकी फ्री लाइव क्लास अटेंड करिए और देखिए कि इनके प्लेटफॉर्म पे और क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं। बाकी वीडियोस पसंद आ रही है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करें।